मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि अपना कैमरा छोड़ के आप बैठ जाएं सब लोग, ताकि मुझे पीछे तक नज़र आ सके। बैठ जाएं सब लोग। आज के इस सदस्यता अभियान में मंच पर उपस्थित हमारे उड़ीसा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री मोहन मांझी जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील जुझारू अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री के वी सिंह देव जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुनील बंसल जी, श्री दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, और हमारे संसद में हमारे साथी मित्र संवित पात्रा जी, और सभी क्षेत्र से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आपको इस सदस्यता अभियान में आने के लिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मुझे बताया गया कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस पर्सनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे कला क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे कलाकार, स्पोर्ट्स पर्सन्स, बिजनेस पर्सनल, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी क्षेत्रों को के लोग आज जो भुवनेश्वर में समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोग आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे बताया गया कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना आप लोगों ने मंजूर किया है और आप उसमें भाग लेने के लिए आए हैं, इसलिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मुझे और भी खुशी है कि मेरा ये सौभाग्य है कि आप सब लोग सदस्य मेरे द्वारा बनेंगे, मेरे रेफरल उससे बनेंगे, तो आपको सदस्य बनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए विशेष गौरव का विषय है और इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, सदस्य आप बन रहे हैं इसलिए कुछ बातें आपके ध्यान में मैं ज़रूर डालना चाहता हूँ, ताकि आपको ये महसूस हो और आपको ये विश्वास बने कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं। क्या होता है कि राजनीति में मैं लंबे समय से रहा हूँ, मेरे मित्र कांग्रेस में भी रहे, मेरे मित्र कम्युनिस्ट भी रहे, मेरे मित्र नक्सलाइट्स भी, बहुतों से मेरा आइडियोलॉजिकल विचार विमर्श होता रहा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस देश में लगभग 5000 छोटी बड़ी पार्टियां हैं और लगभग 50 के आसपास एक्टिव पार्टीज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है विच इज अ नेशनल पार्टी, इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इट इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, इट हैज गॉट अ कार्डर बेस एंड इट हैज गॉट द मैक्सिमम मास फॉलोइंग। अकेली पार्टी है, इट इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी। आपने कभी देखा कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ऐसी होती हो? देखा? आपने कभी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मेंबरशिप को इतनी इंपॉर्टेंस दी हो कि एक ही मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष भी हो, राष्ट्रीय महामंत्री भी हो और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी हो?
for membership. This tells volumes about the seriousness of the membership. हमारे यहां membership कितनी transparent है. हम कहते हैं हमारी संख्या 18 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, हमारा डिजिटल बोलता है. हम कहते हैं हमारी संख्या हमारी पास 10 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता. दिस इज ऑन रिकॉर्ड. तो इट इज दी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दी ट्रांसपेरेंट पार्टी. अभी से हमारी सदस्यता शुरू होगी. इस सदस्यता के बाद एक्टिव सदस्य बनेंगे. एक्टिव सदस्य के बाद नीचे मंडल से इलेक्शन शुरू होगा. इलेक्शन होने के स्टेज पहले मंडल का इलेक्शन होगा, फिर जिले का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट के इलेक्शन के लोग नेशनल प्रेसिडेंट चुनेंगे. ये प्रोसेस किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है. और इसीलिए हमारे यहां किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता, जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता बनता है. जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता ही नेता बनता है. और सब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी. व्हेन आई से इट इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर चली. महात्मा गांधी ने कह दिया कांग्रेस को डिसबैंड कर दो आफ्टर 1947, दिस वॉज मेड ओनली टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हैज कम सो वी शुड डिसबैंड कांग्रेस पार्टी. नहीं माने नेहरू जी, विचारधारा से अलग हट गए. कलेक्टिव फार्मिंग से लेकर कोऑपरेटिव फार्मिंग से लेकर के कहां कहां के कौन कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए. हमारे लेफ्टिस्ट साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किससे दोस्ती की किससे दुश्मनी की समझ में ही नहीं आया. आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं, समझ में नहीं आता. फोटोग्राफी सेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं. अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नेक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, स्पोक्समैन बन गए हैं, डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है. कहां नेशनलिज्म रह गया. श्रीनगर में धारा 370 वापस लेंगे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं. लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे. एक लंबी यात्रा की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया. वी स्टार्टेड इन 1952-53 एंड इन 2019 अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द एबल स्किल्स ऑफ अमित शाह वी कुड सी इन द पार्लियामेंट ऑन 2019 6th of August that Article 370 was abrogated from this country. और जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः भारत के संवैधानिक पार्ट का हिस्सा बना after the abrogation of Article 370. नहीं तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, भारत का संविधान अलग. भारत के लगभग 200 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे. एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वाल्मीकि को रिजर्वेशन नहीं मिलता था. वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ मनमोहन सिंह, आए हुए मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं. वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी कुड नॉट गिव हिज वोट इन विधानसभा. इट इज दिस टाइम दैट आफ्टर आर्टिकल 370 वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना वोट डाल रहा है विधानसभा के लिए. जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं.